खुद उपाय करें पर भरत मा तो पैगे बिलखाने का अन मन हसे का हसराने। अरे मंथरे हमारा दीदी मालूम कर ये बता तो क्यों रो रही है, आखिर कारण क्या है, बताते क्यों नहीं है। हम सब में शीश घुमाए हैं पर तूने प्यार बिखेरे हैं, रो रही सपनों शायद कैसे दासी लक्षण कहा
जाऊंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल को चाली जानी, ये काने और खोरे कुबरे जितने भी होते हैं बहुत कुटिल होते हैं। प्रिय बाद न सिखती हो तो हे सपन हो तो पर कोपन मोहे, ये बता मैंने सपने में भी तुमसे कोई दुर्भाव किया हो तो कहो, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता हो वो मुझसे कहो, फिर ऐसे बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे प्रति मुझ में क्रोध नहीं है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। हे भाई माँ, प्राणों से अधिक मुझे राम प्यारे हैं, और हनुमान के राजलक्ष्मी में तुम क्यों आनंद डाल रही है? भरत सपत तुहि सत्य कहूँ परिहरी कपट दुराव, हरस समय विषमय करसे कारण मोहि सुनाव। हे मंत्रे, मैं तुम्हें भरत की सौगंध दे करके कहती हूँ कि हर्ष के समय तुम्हारे दिल में ये ऐसी बातें कहाँ से पैदा हुई? कौन पहो हमें कहा महारानी जी, हम दासी के दासी रहते राम राजा हुए और जाय भरत राजा हुए, लेकिन हम तो दासी के दासी रह पे रानी न बन पे। अब तुम पूछो मैं कहा जराऊ धरो मोर घर फोरे नाऊ। महारानी जी पूछत हो तो हम दहाई बहन संकोचित है कि जो हमार नाव को घर फोरी थी। प्रिय श्री राम कहा तुम रानी और राम है तुम प्रिय सो पठे भरत भोपरे राम मा तू मत जानवर। महारानी जी अपने लड़कन कारण न्योरे भेज दिया है और कौशल्या के स्वभाव कारण नहीं जान पाएगी तोरे पति कत्ता मोहब्बत है उनका, अपने लड़का कारण राजा बनवाए लेते हैं। राज है तुम पर बहुत राज है तुम पर प्रेम विषेके सवति स्वभाव सके नहीं देखे। राजा तो तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन कौशल्या जो तुम्हारे सवत है उस सौतिन के भाव से देखते महारानी, वो तुम्हें कथा न देख पाई है न देख पाई है। राजे पर पंच हो पे अपनाए राम तिलक हित लगन धराए। वो कौशल्या महारानी जी प्रपंच रखते और राजा कान समझाए बुझाए के अपने कब्जे में कहते अपने तब भय राम कहन राजा बनवाए ले थे। का पूछो तुम बहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। महारानी जी अब हमसे का पूछते हो, अपन हित पशु पक्षी सभी जानते हैं कि तो होता है कि नहीं तो होता है। भय पाख दिन सजत समाजू अब तुम पाई सुध मई सजाजू। महारानी जी ये हफ्ता से दुर्गा सजाई जाती है लेकिन ये खबर आज तू हमने मुंह से सुन पाए हो तुम्हें का पता। जो असाध्य कछो कहब बनाई तो विद जई है हमें सजाई। महारानी जी जब तक दोनों बात हम
असत्य कहित हुई, असत्य निकली तो हमें भगवान बचा के। राम हित लग काल जो भयऊ, तुम कहो विपत बेजा बेद भयऊ। महारानी जी, राम कांड अगर राजा बना जी महाराज तो तेरे मुरे पर विपत्ति आवत चली गई तो जान लियो। रेख खचाई कहा बल भासी, भामिन भयो दूध के माछी। महारानी जी, राम राजा अगर बने तो तुम दूध दूधे में कई माछी होगी, हम दूधे में कई माछी। तुका द्रोह बिन तय देन दुख, तुम कौ सिला देव भरत बंद गृह से राम लखन के देव। महारानी जी, जिस प्रकार से कद्रु बनिता को दुख दिया था, उसी प्रकार से तुम्हें कौशल्या के द्वारा तुम झेलना पड़ेगा और भरत लाल जेल में रहेंगे महारानी जी। और मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरा प्यारा भरत सैती बंद कर रहे। तो सुन मंथरा बात थोड़ी थोड़ी अदाहिन आखिन तफरक भोरी। हे मंथरे, महारानी जी आज से कई दिन पहले से मेरी दाई आंख फड़क रही है। तो दाहिनी आंख तो औरत के गड़बड़ होता है। तो दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो न कोई बस मोह बस अपने। दिन प्रतिदिन मैं रात को सपने में देखती हूँ, लेकिन एक अनोखा सपन देखती हूँ, बहुत बुरा सपन देखती हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती। तो का करो सखे सीध स्वभाव, क्या करो सखी, मेरा तो सीधा स्वभाव है। हाँ तो महारानी जी, सीधे स्वभाव वाले दुखाई चली है। नई हर जन्म भरबा बरु जाए, अजियत न करब सवती सोकाए। लेकिन मैं अपने मायके में चली जाऊंगी, लेकिन मैं कभी वहां पानी भरूंगी, नाव बनानी का काम करूंगी, लेकिन जीते जी मैं सवत की सेवा प्रदाप्त नहीं करूंगी। परुआ बचन पर सकू पूत पति प्यार, कहस मोर दुख देख बड़े कस न करब हित लाज। क्या कर तो समझ में नहीं आता है। तो दोए वरदान भूप संखाते, मांग आज जुड़ाओ छाते। महारानी जी चलिए, हमने एक उपाय बूझ महन आवा है, कहो तो कही। हाँ बताइए। कहो बहार कोई वरदान महाराज के पास धरोहर मन रखे रहे याद है। हाँ वो तो याद है मुझे। तब तो काम कुछ बनी जाए। कैसे बनेगा? तो मांगू आज जुड़ा छाते। वही कोई वरदान मांग लो और अपन अपनी छाती शीतल करो। सुतही राज राम बनवासो, देहो लेहो सब सवति हुलासो। हाँ महारानी जी, पहले वरदान लेते महाराज से कि भरत कहन राजा बनावे और राम कहन 14 वर्ष के वनवास के, और ये शबद के चतुराई के बदला उनका दायित्व महारानी जी।
होई अकाज आज रात बीते वचन मोर प्रिय मानव जीते। अब महारानी जी अगर आज रात तक यह काम नहीं हुआ तो कल तो राम राजा बन जाएंगे, इसलिए झुको मत, झुकने वाला अवसर नहीं है महारानी जी। और वचन मोर प्रिय मानव जीते। हाँ महारानी जी, हमारे जीते बात मान लियो और आज रात आज रात कहन वरदान मांग के आओ सबक से बदला ले लो तो बड़े को घात करे पात के निरामा और कहे से को पगे जाऊ सियारामा। महारानी जी अब यही शायद देर करे बात लाए है को भवन में चली जाओ गोबरी राने प्राण प्रिय जानी बार बार बड़े बोधे बखानी है। मंत्रे तुम्हारे बुद्धि की बहुत बलिहारी है, जो तुमने मुझे ये उपाय बताया है तुम धन्य हो, आज से तुम भरत की महतारी हो। वही समहित नमो संसारा बहे जात कै भैंस अधारा। हे मंत्रे उन संसार में तुम्हारे जैसा हित मेरा कोई नहीं है, जो दूसरे को जोड़ते हुए सहारा दिया। तो महारानी जी हम कब तुम्हारा नहीं तो देख सकता है। तो बहुविद रहे आदर दे गोप भवन कवनी कहते। ठीक है मंत्रे मैं गोप भवन को जाती हूँ। ठीक है नारानी जी। गोप समाज साज सब सोई